क्या मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन करने से आपके दिमाग पर कोई असर पड़ता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का, अलग अलग बहुत सारे लोग पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों का तो एक्सपीरियंस भी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उनको दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, उनके दिमाग पर वो सारी छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, क्यों करते हैं आप पोर्न क्यों देखते हैं? सबसे पहले आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है, वो टेम्प्रेरी खुशी मिलती है, वो अलग बात होती है, वो खुशी आपके दिमाग से मिलती है आपको, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट और पोर्न देखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, और उसका रिसेप्टर होता है जो रिलीज करता है, तब आपको खुशी मिलती है। अब उस टेम्प्रेरी खुशी को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, पोर्न देखते हैं, अब वो बार बार आपको खुशी मिलती रहती है, लेकिन टेम्प्रेरी खुशी होती है। अब धीरे 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 जब आप मास्टरबेट और पोर्न कर देखते हैं तो वो खुशी कम होती जाती है, जिसके चलते अब आप कोई एक्सट्रीम लेवल की पोर्न देखते हैं, फिर ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, क्योंकि आपको और खुशी चाहिए, उस खुशी में आप पड़ते जाते हैं, टेम्प्रेरी खुशी होती है। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लेते हैं, उसके बाद में जो रिसेप्टर होता है आपका डोपामाइन रिलीज करता है, वो रिलीज करना बंद कर देता है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, आस करते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्यों होता है, जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उनको कोई भी यादाश्त अब ज़्यादातर दिन तक नहीं रहती, उनका एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और सबसे बड़ी चीज़ अब उनके दिमाग में केमिकल इंबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं होता, और ज़िंदगी में ऐसे कोई भी खुशी नहीं मिलती उनको, कोई भी ऐसे मोमेंट हो, इवेंट हो, तो उनको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। अब जब आप नो फैब करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका दिमाग रिवाइव मोड में आता है, धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवाइव मोड में आता है, जिसके चलते जो भी आपके दिमाग में कमी थी वो सारी पूरी हो जाती है। अब आपका दिमाग धीरे 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 उन चीज़ों को रिवाइव करने लगता है, रिकवरी करने लगता है, जिसके चलते आपका दिमाग जो होता है, आपका रिसेप्टर होता है दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज करता है, वो एक टाइम तक नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद में हर एक चीज़ में आपको खुशी मिलने लगती है। पहले आप जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो आपकी मैक्सिमम खुशी एक ही चीज़ से मिलती थी, वो है मास्टरबेट और पोर्न। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में खुशी मिलेगी, अगर आप कोई छोटा सा आपका टास्क होता है वो भी पूरा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। आपको मैं बताऊँ, नो फैब करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हर एक चीज़ में खुशी मिलने लगेगी। अगर छोटा सा इवेंट है आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि आपका जो डोपामाइन रिसेप्टर है वो एकदम रिलीज करना नॉर्मल कर देता है, अब आपका डोपामाइन जो लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए आपके दिमाग के साथ होता है, क्योंकि आपके दिमाग में केमिकल इंबैलेंस होने के साथ साथ बहुत सारे इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ते हैं। और तीसरी आखिरी चीज़ वो होती है आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इसलिए होती है, बहुत सारे लोग तो जब रिलैप्स कर लेते हैं उसके बाद में वो एक तरह का रिग्रेट फील करते हैं, जिसके चलते आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, जिसके चलते आप अपने आप को कम समझने लगते हैं, इसीलिए वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते हैं। अब क्या करना है आपको, इन थॉट्स को भगाने के लिए नो फैब करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने आप में डर, एंजाइटी, भीड़ में जाने से डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ये इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है और इस इफेक्ट से आपका पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, और दिमाग को तेज़ कैसे करें, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का यही राज था। पहले तो वो ब्रह्मचारी थे, ऊपर से वो मेडिटेशन करते थे, इसलिए अगर आप नो फैब और ब्रह्मचर्य में मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो दिमाग है रिवाइव मोड में जल्दी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका अर्जेस भी कंट्रोल हो जाती है, आपका दिमाग शांत रहता है। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, और जो स्वामी विवेकानंद थे उनका क्या सीक्रेट था कि वो एक घंटे में 700 पेज याद कर लेते थे। तो मैंने आपको बता दिया है, नो फैब करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपका दिमाग रिवाइव मोड में आएगा, जिसके चलते आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होगी, आपका दिमाग शांत होगा, डिस्ट्रैक्शन से हटेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप हट जाते हैं जब नो फैब करते हैं, अलग अलग चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन होता है आपकी लाइफ में और वो फोकस एक जगह आ जाता है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात भी कही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ए मैन हु इजंट ए स्लेव टू हिज सेक्सुअल अर्जेस इज ए फोकस्ड मैन इज ए डेंजरस मैन। तो ये हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने सेक्सुअल
हर चीज को साइड में कर देता है, वो फोकस्ड मैन होता है, और फोकस्ड मैन डेंजरस मैन होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस में यहाँ पे लाता रहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।